Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And nowadays, I am discussing over the issues of secondary school education, in which I am going to discuss empowerment of secondary school teachers, role of NCERT. Or you can say role of NCERT in the empowerment of secondary school teachers. The lecture will be in bilingual mode and it is useful for you all. First of all, NCERT. हम सभी ने शायद सबसे ज़्यादा जो शब्द सुना है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, किताबों से संबंधित, अपनी स्कूलिंग में जिस शब्द को सबसे ज़्यादा बार सुना है वो NCERT ही है. NCERT क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. तो सबसे पहले एक ओवरऑल NCERT क्या है, तो विजन क्या है NCERT का, कि टू बिकम अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कंसर्निंग रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री. यानी NCERT का विजन ही है, मतलब ये देखता ही है इस हिसाब से कि ये स्कूल एजुकेशन को सुधारे, मतलब देश में जो स्कूल एजुकेशन का फील्ड है उसमें ये एक सेंटर बनना चाहता है. किसका? एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना चाहता है. किससे संबंधित? अनुसंधान से संबंधित, विकास से संबंधित और प्रशिक्षण से संबंधित. यानी कि विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में NCERT एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना चाहता है, जिससे बढ़िया रिसर्च डेवलपमेंट और ट्रेनिंग इस क्षेत्र में हो सके. तो उसके लिए मिशन क्या है? इसके लिए मतलब ये तो विजन है कि ये चाहता है ऐसा बनना, उसके लिए जो हम करते हैं वो मिशन होता है. तो मिशन क्या है कि इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन टुवर्ड्स बिल्डिंग अ सोसाइटी कमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स. वो कह रहा है कि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, सुधारना है और एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो कि जो आपके संवैधानिक मूल्य हैं उनके प्रति कमिटेड हो, यानी कि उनके प्रति वो कमिटमेंट हो उनको पूरा करने की. एंड कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स, और जो समसामयिक हमारे मुद्दे हैं उनसे भी रिलेटेड हो. वर्किंग टुवर्ड्स ब्रिंगिंग आउट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन ट्यून विद द इमर्जिंग डिमांड ऑफ द स्कूल सिस्टम. देखिए, आप NCERT को सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, स्कूल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब भी आप NCERT पे मैटर सर्च करेंगे तो आपको टीचर एजुकेशन पे मैटर मिलता है. ज़्यादा मैटर आपको टीचर एजुकेशन पे मिलेगा. तो आपको लगेगा कि NCERT तो स्कूल एजुकेशन पे काम करती है तो टीचर एजुकेशन पे क्यों मिल रहा है? भाई, टीचर एजुकेशन का मतलब क्या? ट्रेनीज. आपके ट्रेनीज कौन से? BEd वाले ट्रेनीज ना भाई, या BEd MEd हद से हद. तो जो BEd है तो BEd टीचर किसके लिए तैयार होते हैं? 6th to 8th के लिए ही तो, या आप कह सकते हैं 6th to 12th के लिए ही तो तैयार कर रहा है ना BEd. तो मेनली 6th to 8th होता है वैसे. तो स्कूल एजुकेशन के लिए जो टीचर तैयार करने जा रहे हैं वही तो टीचर एजुकेशन है. इसलिए आपको ये कहीं भ्रम मिलता है कि NCERT को क्यों टीचर एजुकेशन में मिल रहा है. टीचर एजुकेशन में जो टीचर्स तैयार हो रहे हैं वो तो स्कूल एजुकेशन के लिए तैयार हो रहे हैं ना, इसलिए ये चीज़ आपको समझनी होगी. तो ये काम करता है किसके लिए? वर्किंग टुवर्ड्स ब्रिंगिंग आउट इम्प्रूवमेंट इन द टीचर एजुकेशन. सुधरेगी अपने आप स्कूल एजुकेशन सुधर जाएगी, क्योंकि बढ़िया टीचर्स आप बनाएंगे ताकि स्कूलों में अच्छा पढ़ा सकें. इन द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन ट्यून विद द इमर्जिंग डिमांड्स ऑफ द स्कूल सिस्टम. यानी कि जो विद्यालयी तंत्र की इमर्जिंग डिमांड्स है, जो नित नई मांगे हैं, उनको उनके ट्यून, मतलब उनके हिसाब से, उनके सिंक्रोनाइजेशन में टीचर एजुकेशन की क्वालिटी में ये सुधार करना चाहता है. और अचीविंग द गोल्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन. अब तो बात यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की भी हो रही है, तो ये इस गोल को पाना चाहता है. उसके लिए इसके पास ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्या उद्देश्य है NCERT के पास? चार है कि ये रिसर्च करेगा, अनुसंधान करेगा, विकास करेगा, प्रशिक्षण देगा और विस्तार के कार्य करेगा. रिसर्च किसके लिए करेगा? प्रमोट एंड कंडक्ट एजुकेशनल रिसर्च एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस. यानी कि जो आपका शैक्षिक अनुसंधान है उसको करना, उसको प्रमोट करना, और जितने भी इनोवेटिव आइडियाज और प्रैक्टिसेस हैं उनके एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब प्रयोग करना नए नए इनोवेटिव आइडियाज और प्रैक्टिसेस का टीचिंग लर्निंग के फील्ड में. और डेवलप क्या करना है? NCF, आप जानते हैं ना, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क. देखिए,
जब आपका हम ये जितनी भी बात अभी आगे के स्लाइड्स में आपसे करेंगे वो सब NEP 2020 की लाइफ में करेंगे। देखिए, अब आप उन 2020 के पीछे की बात नहीं कर सकते हैं, अब आप NEP 1986 की बात नहीं करेंगे। क्यों? NPE 1986 की क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ गई है, भले वो अभी लागू नहीं हो पाई है। तो हमको हर बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में करनी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 2020 आई, उसने कहा कि आप नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क बना लीजिए स्कूल एजुकेशन के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उसने तो मोटा मोटा खाका दिया है, स्कूल एजुकेशन को अपना बनाना होगा, टीचर एजुकेशन को अपना बनाना होगा। और आपको पता होना चाहिए कि NCFSE 2023 आ भी गया है, मतलब नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। जिस दिन मौका मिल जाएगा पढ़ के आपसे डिस्कस कर लूंगी, अभी मौका नहीं मिल रहा है। जबकि अभी NCFTE दो नहीं आया, मतलब नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन अभी लेटेस्ट नहीं आया, वो अभी पुराने ही चल रहा है ना। लेकिन ये 2023 का आ गया है। तो डेवलप करना है एनसीईआरटी को क्या? NCF, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन के लिए, जो कि इसने 2023 वाला कर दिया। सिलेबाई बनाना, टेक्स्ट बुक डेवलप करना, TLM, TLM का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप करना, किट्स डेवलप करना, ट्रेनिंग मॉडल्स और स्ट्रेटजीज बनाना, ऑडियो वीडियो और ICT मटेरियल बनाना, सब ये काम NCERT का है। ट्रेनिंग किसको देना? उसको प्रशिक्षण देना है किसको? प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं उनकी सर्विस के पहले, यानी कि BEd लेवल पे, और इन सर्विस जब वो शिक्षक बन जाते हैं तब सेवारत और सेवा से पहले, है ना। फिर ट्रेनिंग ऑफ नेशनल एंड स्टेट लेवल फंक्शनरीज और एक्सटेंशन, मतलब कि वो किससे किससे जुड़ाव के संग काम करेगा, कोलेबोरेशन विद स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो NCERT हुआ। ये NCERT है क्या? और क्या है NCERT? NCERT स्टैंड फॉर नेशनल, ये हो गया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सबको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। Established in 1961 by the government of India, GOI ने इसको 1961 में बनाया। अब 1961 में बनाया का मतलब, I'm so sorry, कि स्टैचुटरी बॉडी NCERT में बन गया, 1961 में बन गया। देखिए, पहले जब हम लोगों के पास नेट नहीं था तो ये जनरली बुक्स में तो मिलता नहीं है कि NCERT कब गठित हुआ, UGC कब गठित हुआ। तो एक बार भी अगर हम लोग इस पे भटकते थे तो बड़ा मुश्किल होता था जानना, इसको गूगल करना पड़ता था तब, है ना। किसी किसी के पास लैपटॉप कंप्यूटर होता था तो उससे हम लोग बोलते थे कि भाई जरा पता करके बताओ NCERT कब गठित हुआ, NCT कब गठित हुआ, UGC कब गठित हुआ। अब तो आपके पास तुरंत वैदिक क्लिक, मतलब आप मोबाइल में कभी भी किसी भी क्षण सब कुछ आप पा सकते हैं। तो ये बहुत आसान हो गया है पढ़ाई लिखाई। ये 1961 से मुझे याद आया कि बड़ा हम लोग एक बार अपने पढ़ने के समय में कंफ्यूज थे कि NCERT कब गठित हुआ था। खैर, फिर NCERT प्लेज अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन इन्फ्लुएंसिंग द एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ इंडिया, यानी कि NCERT जो भारतवर्ष में शैक्षिक जो लैंडस्केप है उसको बहुत इन्फ्लुएंस करता है। द फॉलोइंग सेवन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पर कंबाइंड टू फॉर्म द NCERT। वो कह रहे हैं कि ये सात सरकारी संगठन हैं जो मिल के NCERT बनाते हैं। कौन कौन से हैं वो? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन, नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन। आपको इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। यही पता हो जाए कि कई सरकारी संगठन मिलकर NCERT बनाते हैं, यानी NCERT के कई कॉम्पोनेंट्स भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब NCERT किसके लिए यूज किया जाता है? NCERT का लेना देना किससे है? टेक्स्ट बुक बनाना है उसको स्कूल एजुकेशन के लिए, उसको करिकुलम के लिए गाइडलाइन देनी है NCF या नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क के तहत, उसको टीचर की ट्रेनिंग करनी है, उसको रिसर्च और डेवलपमेंट करना है, एडिशनल लर्निंग रिसोर्सेज मतलब TLM, किट, ऑडियो विजुअल सब बनाना है, और एजुकेशनल पॉलिसी भी बनानी है। अब क्योंकि हम जो बातचीत करने जा रहे हैं, हमारा मेन मुद्दा है इम्पावरमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, तो अब हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से NCERT जो है वो जो विद्यालयी शिक्षा में लगे हुए शिक्षक हैं उनके इम्पावरमेंट का काम करता है या उनके क्वालिटी को कैसे बढ़ाता है ना। अब आते हैं मुद्दे पे। तो
एनईपी 2020 ने बात की है सीपीडी की। सीपीडी क्या है? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। एनईपी 2020 कह रहा है कि आपको वैसे भी होना चाहिए ये कि हम जब सेवारत हो जाएं तो हमको लगातार अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगा, मतलब वो बहुत जल्दी बेकार हो जाएगा अगर हम नवीनतम ज्ञान हासिल नहीं करते रहेंगे तो। तो एनसीईआरटी कैसे स्कूल एजुकेशन के टीचर्स को हेल्प करता है ये देखना है हमको। कि एनईपी 2020 ने कहा कि इम्फेसाइजेस सीपीडी फॉर टीचर्स, उसने कहा कि आपको कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहना है। किसको किसको? टीचर्स को, हेड टीचर्स को, टीचर एजुकेटर्स को। किस उद्देश्य के साथ? विद एन एम टू प्रोवाइड देम एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज, जिससे कि हमको पर्याप्त अवसर मिल सके। किसके लिए? फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जिससे हम अपना सुधार कर सकें। एंड टू लर्न अबाउट द लेटेस्ट इनोवेशन एंड एडवांसमेंट इन देयर प्रोफेशन, ताकि जो हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रोफेशन में जो नया से नया नवाचार आ रहा है, जो नई नई बातें आ रही हैं, उन सबको हम सीख सकें सीपीडी के तहत। और क्या कर सकें? द पॉलिसी ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम देम participate in at least 50 hours of CPD every year for their professional development. NEP 2020 ने कहा कि हर शिक्षक को प्रत्येक वर्ष कम से कम 50 घंटे लिप्त रहना है। किसमें? continuous professional development में। और ये होना क्या चाहिए? कैसे होगा? driven by their self interest, मतलब जिसमें हमको रुचि है आप वो काम कर लीजिए। and with the एंड विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना। और इस समझ बूझ के सब कहेंगे भाई हम तो सब पढ़ लिख के टीचर बन गए, अब क्या हम डेवलपमेंट करें अपना। इसलिए क्योंकि जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इस बेसिक फिलोसफी के तहत। तो जीवित है तो पढ़ते रहिए। फिर एनसीईआरटी ऑफर्स गाइडलाइंस फॉर द सीपीडी ऑफ टीचर। तो ये एनईपी 2020 ने कह दिया कि भाई सभी शिक्षकों को, अब ये हायर एजुकेशन पे भी लागू होता है, ये स्कूल एजुकेशन पे भी लागू होता है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया, स्कूल एजुकेशन के लिए गाइडलाइन बना दी है कि वो कैसे कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनका होगा। दीज गाइडलाइंस इनकरेज टीचर्स टू इंगेज होना चाहिए, इंगेज इन ऑनगोइंग लर्निंग, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस एंड कोलैबोरेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये जो गाइडलाइन एनसीईआरटी ने बनाई है ये इनकरेज करती है टीचर्स को, ताकि ये हमें मतलब ऑनगोइंग लर्निंग सीख रहे हैं सीखते जा रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, कुछ कोलैबोरेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर आप अपना सीपीटी में इन्वॉल्व रहिए। तो इस तरह से टीचर्स क्या होंगे, इम्पावर्ड हो जाएंगे। क्यों इम्पावर्ड होंगे? क्योंकि वो अपडेटेड हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है एनसीईआरटी ऐसे अपडेट करती है, इम्पावर्ड करती है टीचर्स को। और प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड एम्पावर टीचर्स टू स्कूल सिस्टम, एनसीईआरटी का काम है कि वो विद्यालयी तंत्र को मतलब एकदम सशक्त शिक्षक दे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक दे। तो वो क्या कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव टीचर रिक्वायरमेंट प्लानिंग फोरकास्टिंग एक्सरसाइज टू बी कंडक्टेड बाई ईच स्टेट। वो कह रहा है कि हर राज्य को इस तरह से करना चाहिए कि हम एक फोरकास्टिंग एक्सरसाइज करें कि हमको कितना क्वालिटी चाहिए टीचर में। तो टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट वो कह रहे हैं कैसे होगा, या तो मेरिट बेस्ड टेन्योर ट्रैक सिस्टम रखिए कि मेरिट के आधार पर हम उनको बताएंगे कि कौन सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड है, कौन सबसे ज़्यादा क्वालिटी है किसके पास, या हम मिनिमम 50 आवर्स ऑफ सीपीजी देख लें। तो वो कह रहा है कि कैसे आप असेस करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स, कि आप ज़्यादा एम्पावर्ड कौन है, ज़्यादा बढ़िया कौन है, ज़्यादा कौन नॉलेजेबल है, अपडेटेड है। तो वो कह रहे हैं कि असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स विल बी बेस्ड ऑन पीयर रिव्यूज, पीयर का रिव्यू ले लीजिए, अटेंडेंस बच्चे की कैसी है, जनरली जो टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं उनके क्लास में अटेंडेंस अच्छी होती है, कमिटमेंट वो कितना शो कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, आवर्स ऑफ सीपीडी कितने घंटे वो सीपीडी में इन्वॉल्व रहे, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सर्विस टू द स्कूल एंड द कम्युनिटी डेवलप्ड बाय स्टेट और यूनियन टेरिटरी और बेस्ड ऑन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। देखिए एक नया एब्रीविएशन आ गया, एनपीएसटी। क्या है एनपीएसटी? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है? एनसीटीई ने, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ही बना दिया कि आप इसी से चेक कर लीजिए कि आपका टीचर कितना स्टैंडर्ड बढ़िया है उसका। और एक कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर डेवलप कर दिया गया है। किसकी किसकी मदद से? एनसीईआरटी, एससीईआरटी और अदर कंसर्न इंस्टीट्यूशंस और टीचर्स की मदद से ये एक एनपीएसटी बना दिया गया। आप इसी से चेक कर लीजिए कि कितना क्वालिटी क्वालिटी टीचर हमारे यहाँ है। फिर
अब बात एनईबी 2020 की होगी, बात प्रेजेंट सिस्टम की होगी, तो आईसीटी इनिशिएटिव के बिना बात पूरी नहीं होगी। तो एनसीईआरटी के बहुत सारे आईसीटी इनिशिएटिव चलते हैं, जिसमें से कुछ जो आपको पता होने चाहिए वो है ई पाठशाला, दीक्षा, निष्ठा, सार्थक और प्रज्ञा। सब बहुत इंटरेस्टिंग है। पता होना चाहिए हमको ई पाठशाला क्या है, कि अ प्लेटफॉर्म फॉर शोकेसिंग एंड डिसेमिनेटिंग ऑल डिजिटल एंड डिजिटाइज्ड रिसोर्सेज फॉर इट्स स्टेक होल्डर्स, दैट इज स्टूडेंट्स, टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स, रिसर्चर्स, पॉलिसी प्लानर्स एंड पेरेंट्स। इट विल ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बाई इम्पार्टिंग कंपेरेबल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल। तो ई पाठशाला, पाठशाला ई मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बना दिया जिसमें आप सभी प्रकार का डिजिटल डिजिटाइज रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, टीचर ही को तो एम्पावर कर रहे हैं ना कि आप बढ़िया से बढ़िया मटेरियल पढ़िए और पढ़ाइए। उसी तरह से एक और प्लेटफॉर्म है दीक्षा, इसका फुल फॉर्म देखिए कितना सुंदर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। देखिए, डी फॉर डिजिटल, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एन फॉर नॉलेज एंड SHA फॉर शेयरिंग। तो एक नाम बद भी बन गया है दीक्षा, कि आप प्रनाउंस कर पाए उसको बेहतर तरीके से। ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर स्कूल एजुकेशन, विद्यालयी शिक्षा के लिए है, देखिए हायर एजुकेशन के लिए नहीं है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ एनसीईआरटी अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन GOI। ये भी एनसीईआरटी का इनिशिएटिव है, MOI, MOE, GOI के अंतर्गत बनाया गया है। लॉन्च कब हुआ है, 2017 में। देखिए, लकीली ये कोविड से पहले लॉन्च कर दिया गया था, क्योंकि 2014 से ही डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो 2017 में दीक्षा प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया किसने, बाई ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू। तो दीक्षा, देखिए दीक्षा को ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ने, यूनियन टेरिटरीज ने अडॉप्ट कर लिया है, और जो आपका कोविड के दौरान का समय था, बहुत दीक्षा प्लेटफॉर्म यूज भी किया गया। इसमें और कुछ नया जुड़ गया है क्या, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड एनडीआर। एनडीआर क्या है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन इन आर्किटेक्चर। ये कब लॉन्च हुआ है, 29 जुलाई 2021 को। तो इससे ये और बढ़िया हो गया है आपका, कि कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दीक्षा कंप्राइज मेजॉरिटी ऑफ एनडीआर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैविंग इनेबल्ड सम सक्सेसफुल यूज केसेस ऑफ एनडीआर सच एज एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, उस पे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कंटेंट ऑथरिंग है, कंटेंट सोर्सिंग है, इंटरेक्टिव क्विजेस, क्वेश्चन बैंक, बहुत कुछ है। आप इसको, आप सीधे गूगल करके, क्लिक करके सब कुछ पा सकते हैं दीक्षा पे। तो ये हो गया दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये याद रखना जरूरी है कि दीक्षा क्या है। निष्ठा, निष्ठा पे देखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। वो कह रहे हैं कि स्कूलों के जो हेड हैं, जो टीचर्स हैं, हमको सबका होलिस्टिक एडवांसमेंट करना है। तो एनईपी 2020 ने क्या कहा, कि टीचर्स ट्रूली शेप द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड देयर फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। कि वो शिक्षक ही है जो विद्यार्थियों का भविष्य को आकार दे सकता है, जो देश के भविष्य को आकार दे सकता है। इसलिए द मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टीचर्स इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड नेशन। अगर हम चाहते हैं कि देश का, राष्ट्र का, बच्चों का बढ़िया से बढ़िया हम भविष्य चाहते हैं, तो जो टीचर हो वो एम्पावर होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए, टू रियलाइज द विजन ऑफ एनईपी 2020, रिसेंटली एनसीईआरटी अंडर द एजिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन कोलेबोरेशन विद स्टेट यूटीज एंड ऑटोनोमस बॉडीज हैव इनिशिएटेड द निष्ठा इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम 1, 2 एंड 3 ऑनलाइन फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। देखिए कितना काम हो रहा है स्कूल एजुकेशन में, कि हम बढ़िया कर सकें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, शिक्षकों को और अपडेट कर सकें, उनकी नॉलेज को इनहेंस कर सकें, उनको ग्लोबल लेवल का बना सकें। तो 3 लेवल का निष्ठा चल रहा है। 1 है एलिमेंट्री लेवल पे, जिसमें क्लासेस 1 से 8 तक का आपको मिल जाएगा हिसाब किताब पढ़ाई लिखाई। 2 लेवल जो है वो सेकेंडरी लेवल के लिए है, यानी कि 9th से 12th के लिए। और निष्ठा 3 जो है वो निपुण भारत के लिए, यानी ECCE से क्लास 5 तक, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से क्लास 5 तक। तो इस तरह से निष्ठा 1, 2, 3 सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, आप क्लिक करके देखिए, आपको वहाँ पे क्लासेस 1 से लेके आपका 8th है ना, निष्ठा 1 जो है क्लास 1 से 8, निष्ठा 2 क्लासेस 9th टू 12, और निष्ठा 3 ECCE से क्लास 5 तक। तो इस तरह से ये आईसीटी इनिशिएटिव है एनसीईआरटी का, जिससे कि आप स्कूल हेड्स और टीचर्स का होलिस्टिक एडवांसमेंट कर रहे हैं। और क्या है, सार्थक और प्रज्ञता। देखिए ये दोनों एकदम नए नाम थे, मैं भी नहीं जानती थी इसके बारे में, जब मैंने सर्च किया तो मुझे मिला। सार्थक क्या है,
स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। देखिए ये टीचर्स के साथ साथ इन्होंने स्टूडेंट्स को भी ले लिया है। ये कह रहे हैं कि इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी एनईपी 2020 ने बताया उसके इम्प्लीमेंटेशन पे ये बना है कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज डेवलप्ड एन इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव एनईपी इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन टू हेल्प स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनईपी 2020। यानी कि जैसे 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि 2025 तक हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे, 2020 तक हम ये प्राप्त कर लेंगे, तो उसी का ये एक सजेस्टिव प्लान है, एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान है कि हम क्या करें तो हम क्या हासिल कर पाएंगे। पूरा ये कुछ 100-150 पेजेस का है, ये आप डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो इसके तहत विद्यार्थियों और शिक्षकों का पूरा इनको एडवांसमेंट करना है क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू। तो ये भी टीचर के एम्पावरमेंट करने का एक तरीका है एनसीईआरटी जो आईसीटी इनिशिएटिव के तहत चलाता है। और प्रज्ञता, इन मेनी स्कूल्स अक्रॉस इंडिया द एमएचआरडी हैज बीन फंडिंग कंप्यूटर लैब, स्मार्ट स्क्रीन एक्सेट्रा। तो 29 स्टेट्स और यूटीज आर ऑलरेडी ऑन बोर्डेड दीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतलब ऑलमोस्ट सभी ने दीक्षा को अपना लिया है। स्लोली बट श्योरली मैनी टीचर्स इन सेवरल स्टेट्स आर गेटिंग यूज टू इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन क्लासरूम प्रोसेस। आप कह सकते हैं कि अब लगभग लगभग सभी टीचर्स आईसीटी का यूज करने लगे हैं स्कूल एजुकेशन लेवल पे सब पे। तो ये कह रहे हैं प्रज्ञता क्या है, 8 स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन इज प्रज्ञता। वो कह रहे हैं कि कैसे यूज करना है आपको ऑनलाइन या डिजिटल एजुकेशन, उसके लिए उन्होंने स्टेप बता दिया कि प्रज्ञता। देखिए ये एब्रीविएशन है, खोलिए इसको। पहले पी का मतलब है प्लान, यानी कि आप प्लान कीजिए कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन कैसे यूज करनी है। फिर आप रिव्यू कीजिए, फिर जो भी मटेरियल है आप उसको अरेंज कीजिए, फिर आप गाइड कीजिए स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को, जो भी स्टेक होल्डर है कैसे यूज करेगा। फिर आप उस पर बातचीत कीजिए, फिर उनको आप कोई काम असाइन कीजिए, फिर आप ट्रैक रिकॉर्ड उनका देखिए कि वो कितना यूज कर रहे हैं, और बाद में अप्रिशिएट कीजिए अगर वो बढ़िया कर रहे हैं तो। तो एक तरीके से ऑनलाइन या डिजिटल एजुकेशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने का ये एक रास्ता है, ये एक तरीका उन्होंने बताया कि इन गाइडलाइंस के तहत करिए, प्लान करिए, रिव्यू करिए, अरेंज करिए, गाइड कीजिए, टॉक। अब टॉक से टी रखते ना तो ये प्रज्ञता नहीं बन पाता, इसलिए इसको याक बाई टॉक कर दिया है, असाइन ट्रैक और अप्रिशिएट। ठीक है, तो मतलब एनसीईआरटी का विजन, एनसीईआरटी का मेन लेना देना स्कूल एजुकेशन से है। अब स्कूल एजुकेशन के लिए एनईपी 2020 ने भी कह दिया कि आप बढ़िया टीचर प्रोवाइड करिए, टीचर बढ़िया होगा तो वो अच्छा पढ़ाएगा तो अच्छे बच्चे और अच्छा राष्ट्र बनेगा। तो उसके लिए सीपीडी की बात की गई है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की गई है, एनपीएसटी की बात की गई, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स की बात की गई, आईसीटी इनिशिएटिव्स आपको बताने होंगे एनसीईआरटी के, जिसमें से मेन है ई पाठशाला, दीक्षा, निष्ठा, सार्थक, प्रज्ञता। जानते रहिए, बहुत कुछ जानने और पढ़ने और समझने के लिए, और ये सब एकदम लेटेस्ट है, अभी 2020-21-22 ऐसे ना, इवन 2017, ये सब बहुत लेटेस्ट चीज़ें हैं, ताकि बढ़िया से बढ़िया हम टीचर तैयार कर सकें, ताकि बढ़िया से बढ़िया स्कूल एजुकेशन हमारे स्टूडेंट्स को मिल सके। ओके, तो इन दिस वे यू कैन कवर द रोल ऑफ एनसीईआरटी इन द एम्पावरमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.